मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इनिशिएटिव मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत में ही सुपर कंप्यूटर बनाने का फैसला लिया है। इनका निर्माण 3 चरणीय कार्यक्रम के तहत होगा। अधिकारियों के अनुसार नेशनल सुपर कंप्यूटर्स मिशन की शुरुआती 2 चरणों में हाई स्पीड वाले इंटरनेट स्विचों और कंप्यूटर नोड्स जैसे उपतंत्रों के डिजाइन एवं निर्माण का कार्य स्वदेशी तौर पर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 4,500 करोड़ की इस परियोजना को पिछले साल मार्च में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दी थी। एनएसएम मिशन के तहत लगभग 50 सुपर कंप्यूटर तैयार करने हैं। सरकार चाहती है कि देश भर के सभी साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये सुपर कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाएं। साइंटिस्ट मिलिंद कुलकर्णी ने कहा कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले चरण में 6 सुपर कंप्यूटर तैयार हो जाएं। पहले चरण में 3 सुपर कंप्यूटर आयात किए जाएंगे, बाकी 3 सुपर कंप्यूटर्स के हिस्सों का निर्माण विदेश में किया जाएगा, लेकिन उन्हें जोड़ा भारत में जाएगा। वहीं सिस्टम के समग्र डिजाइन की जिम्मेदारी सीडैक पर होगी। 2 सुपर कंप्यूटर्स की क्षमता शीर्ष 2 पेटाफ्लॉप्स की होगी, जबकि शेष सुपर कंप्यूटर की क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स की होगी। टीम इंडलिंक्स।